मुंबई डिवीजन ने 28 मई से 2 जून तक कई मुंबई पुणे ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। दरअसल प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। मुंबई के घाटकों पर होल्डिंग दुर्घटना मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित। आप सभी को बता दें, होल्डिंग हादसे में एक और व्यक्ति की हुई मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम। अब तक मृतकों की कुल संख्या हो चुकी है 17। लोकसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे के नेता किशोरी तिवारी ने किया बड़ा दावा, बोले मुंबई में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाएगी भाजपा। मुंबई में कम वोटिंग से टेंशन में एकनाथ शिंदे, 5वें चरण में कम वोटिंग फीसदी ने राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और अन्य मतदाताओं ने आरोप लगाया है कि इसकी मुख्य वजह मतदान केंद्र पर फैली अव्यवस्था रही। वहीं एक अजीब मामला, नाजिम ने राहुल बनकर नाबालिग हिंदू लड़की को फंसाया और मुंबई ले भागा। धर्मांतरण कर निकाह की थी तैयारी, साजिश में अम्मी भी थी शामिल। आप सभी को बता दें, मतदान के दिन मेट्रो में छूट थी। मुंबई मेट्रो में एक दिन में 1 लाख से अधिक यात्रियों ने टिकट छूट का लाभ उठाया। नवी मुंबई में 8 लाख रुपए के मादक पदार्थ सहित आरोपी हुआ गिरफ्तार। मुंबई में डॉक्टर को बर्खास्त करने के बीएमसी के फैसले पर अगले आदेश तक रोक, मातृत्व अवकाश पर हुआ था विवाद। मुंबई में मतगणना के दिन भर शराब बिक्री पर पाबंदी के खिलाफ होटल मालिकों के संघ ने अदालत का रुख किया। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में छात्र निलंबित, बॉम्बे हाईकोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार। निर्वाचन आयोग बीजेपी की विस्तारित शाखा है, संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन पर लगाए गंभीर आरोप। मुंबई में ठगी का नया तरीका, कर देगा हैरान, मुंबई के युवक ने निवेश के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए हड़पे। आशीष सिलार की मांग है कि नाली सफाई कार्य को लेकर एक श्वेत पत्र तैयार किया जाना चाहिए। आप सभी को बता दें, मुंबई के थाने में मुंब्रा दीवा कलवा सहित कई इलाकों में 24 मई को सुबह पानी की आपूर्ति नहीं रहेगी। मुंबई महाराष्ट्र में HSC बोर्ड परीक्षा परिणाम, मुंबई में सबसे कम 91.95% छात्र हुए पास। मुंबईकरों को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 5 जून से मानसून की एंट्री होगी। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार बना BSE, $5 ट्रिलियन के पार हुआ वैल्यू, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अकेले यूरोप के सभी देशों को पछाड़ा। आप देख रहे हैं इस वक्त की ताज़ा खबर। मुंबई वास की सभी ताज़ा खबरें से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और देखते रहिए SPU अपडेट। थैंक यू।